हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि ईआईए और इन्वायरमेंटल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों टर्म्स के बीच में हम बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ईआईए की यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। तो दोस्तों, अगर हम सबसे सिंपल डेफिनेशन देखें ईआईए की, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ईआईए इज़ ए प्रोसेस दैट एग्जीम्स द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेवलप एक्शन इन एडवांस विद द एम्फेसिस ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन एडवांस का मतलब क्या है दोस्तों, कि ईआईए केवल प्रोजेक्ट लगने से पहले होता है। अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि बन चुकी है उसका ईआईए नहीं हो सकता है। ईआईए हमेशा प्रोजेक्ट लगने से पहले किया जाता है। हम प्रोजेक्ट लगाने से पहले ही ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखना आप, कि कभी भी किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप होने के बाद में उसका ईआईए नहीं किया जा सकता, या आप ये कहिए कि जब तक ईआईए नहीं हो जाता तब तक आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं कर सकते। केवल आपकी जो लैंड है जिस पे आपने इंडस्ट्री सेटअप करनी है उस पे आप एक बोर्ड लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री बनेगी, बट आप एक ब्रिक नहीं लगा सकते जब तक कि ईआईए कंप्लीट नहीं हो जाता। तो सिंपली ईआईए एक प्रोसेस है जो एडवांस में हमें ये बता देता है कि इस प्रोजेक्ट का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे। वहीं पे इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या है? इन्वायरमेंटल ऑडिट बेसिकली एक एक्सरसाइज है सेल्फ असेसमेंट की। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे काम कर रहा है। बेसिकली अगर हम इन्वायरमेंटल ऑडिट की बात करें, ऑडिट तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे मेन फोकस चीज़ किस चीज़ पे होता है कि हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें, या जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इन्वायरमेंट को कम से कम डिग्रेड करें। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट कंस्ट्रक्शन के टाइम भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान हम ये देख रहे हैं कि भाई जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, इसके लिए हम ऑडिट कर सकते हैं। या जब हमारी कंपनी इंडस्ट्री जो है वो सेटअप हो जाती है, उसके बाद तो टाइम टू टाइम हम उसका ऑडिट कराते ही हैं कि कितना आउटपुट है, कितना इनपुट डालने के बाद में कितना आउटपुट आ रहा है, इन सब के लिए हम आपका इन्वायरमेंटल ऑडिट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट कंस्ट्रक्शन फेज पे भी हो सकता है, और आपके जब आपकी प्रोसेस चल रहे होते हैं तब तो होता ही होता है, बट ईआईए हमेशा आपका कब होगा? इंडस्ट्री के सेटअप होने से पहले। इसीलिए कभी भी इन दोनों टर्म्स के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं होना। क्लियरली कोई भी आपसे पूछे ईआईए कब होता है, भाई प्रोजेक्ट सेटअप होने से पहले ही ईआईए हो सकता है, प्रोजेक्ट सेटअप होने के बाद में उसका ईआईए नहीं किया जा सकता। ऑडिट कब होता है? कंस्ट्रक्शन फेज पे भी किया जा सकता है, इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले भी किया जा सकता है, और जब इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है तब भी किया जा सकता है। ऑडिट जस्ट एक सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि कम से कम इन्वायरमेंट डिग्रेड हो और कम से कम पोल्यूशन जनरेशन हो। तो आई थिंक दोस्तों ये दोनों टर्म आपको अब क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, आप कभी भी इनमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।